हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और यार आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्विक अनबॉक्सिंग सैमसंग के गैलेक्सी M31S का। अब यार ये जो फ़ोन है बिल्कुल नया नया अभी आया है, 6 तारीख को ही लॉन्च हुआ था भाई। फर्स्ट फ्लैश सेल में मैंने इसको परचेज़ कर लिया था, देख सकते हो अमेज़ॉन वाला यूनिट है भाई। और अभी यूट्यूबर्स के पास भी भाई इसका बॉक्स नहीं आया था, तो यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी अनबॉक्सिंग करना। तो क्विक अनबॉक्सिंग आपको दिखाने वाला हूँ भाई। तो मैं इस बॉक्स को पहले से ही खोल चुका हूँ भाई, एड्रेस वगैरह मैं यहाँ पे छुपा चुका हूँ आपका, ताकि आप देख ना लो। तो भाई ये रहा मेरा सैमसंग M31S, इसी बॉक्स के अंदर आया था। इसको बॉक्स को रखते हैं साइड में और यहाँ पे देख सकते हो भाई ये रहा बॉक्स। ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, और सील भी यार मैंने खोल दी थी एक्साइटमेंट में, यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस फ़ोन के लिए। और यार इस वीडियो में ना क्विक कंपैरिजन भी मैं आपको बता दूंगा A51 के साथ, मतलब बिल्ड एंड छोटी मोटी चीज़ें बता दूंगा। बाकी डिटेल कंपैरिजन बोलोगे तो मैं अपने चैनल पर वो भी लेके आ जाऊँगा। बाकी वन प्लस नॉट भी है यार हमारे पास, ये रहा कोने पर रखा हुआ है, नोट 9 प्रो मैक्स भी है, उनसे भी कंपैरिजन चाहिए तो भाई बता देना। बाकी यार सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा सबसे ऊपर हमारा फ़ोन रखा हुआ है, मैंने इसको मिराज ब्लैक कलर में मंगाया। एक और कलर आता है इसके अंदर ब्लू वाला, वो वाला भाई अवेलेबल नहीं था। अभी बाद में इसकी डिटेल में बात करेंगे भाई, इसको साइड में रखता हूँ। एंड सबसे पहले भाई ये चीज़ भूल जाते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ है यार, ये बॉक्स है ये निकलता नहीं है इतनी आसानी से। एक डिसअपॉइंटमेंट है, अभी बताता हूँ क्या। यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और भाई ये ओपन नहीं होगा यहाँ पर, ये यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ आपको पेपर वर्क देखने के लिए मिलता है। तो उसको निकाल के भी हम क्या ही कर लेंगे भाई। तो इसके बाद भाई कोई केस नहीं मिलता है, ना ही इस पर स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड आता है, तो मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी बेकार लगी, अभी आपको बताऊँगा आगे जाके। और यहाँ पे केबल की बात कर लेते हैं, तो भाई टाइप सी टू टाइप सी वाली यहाँ पे केबल दी गई है, जो कि अच्छी बात है। यानी कि टाइप सी टू टाइप सी के साथ हमें ये सुपर फास्ट चार्जर मिलता है भाई सैमसंग का। ये पहला फ़ोन है मेरे पास जो कि सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है सैमसंग की, 25 वॉट की, देख सकते हो यहाँ पे। बाय द वे इसका डेडिकेटेड चार्जिंग कंपैरिजन भी आने वाला है मेरे चैनल के ऊपर, काफ़ी सारे फ़ोन्स के ऊपर, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो। और भाई ये भी टाइप सी को सपोर्ट करता है, ये सेम चार्जर है जो कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स के साथ देता है, जैसे कि Note 10 Plus या फिर S सीरीज़ के फ़ोन्स, तो उनके साथ भाई यही चार्जर आता है। अब एक बार बॉक्स को साइड में रखते हैं। बाकी यार इसको मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, तो एक बार स्लाइड करके निकाल लेते हैं हम इसको। और भाई कुछ इस तरीके से भाई ये फ़ोन मिल जाता है हमें। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट से भाई इस पर कोई स्क्रीन गार्ड यहाँ पे प्री अप्लाइड नहीं है, एकदम पंच होल मिलता है सेंटर के अंदर। बाकी बैक से यहाँ पे आप देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है भाई ये, रिफ्लेक्शन सा यहाँ पे। तो यार सिल्वर एंड ब्लैक सा कलर है भाई, कुछ ग्रेडियंट सा पैटर्न यहाँ पे बनाया गया है बैक में, तो दिखने में यार मुझे काफ़ी सही लगा था। अब मैं चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। बाकी यार ये जो पीछे है ना, ये पूरा पॉलीकार्बोनेट हमें यहाँ पे मिलता है, तो प्लास्टिक बैग है यार यहाँ पे। बाय द वे इसके अंदर हमें फ्रेम मिल जाता है, तो पहला सैमसंग एम सीरीज़ का फ़ोन है जिसमें साइड में मैं यार यहाँ पे फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पे बढ़िया लगी थी इस फ़ोन के बारे में। बाकी यार पीछे यहाँ पे कैमरा भी दिया गया, हल्का सा बम्प है, अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा हुआ है, यानी कि इंडिया में ये फ़ोन यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, सैमसंग जनरली अपने फ़ोन से यहीं बनाता है। 6128 GB वाला वेरियंट भाई मैंने यहाँ पे लिया था, इसका एक और वेरियंट आता है। प्राइसिंग वगैरह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, अमेजॉन पे यार अलग प्राइसिंग है एंड सैमसंग के स्टोर पे अलग प्राइसिंग बताई गई है इसकी। बाय द वे इसको फटाफट से मैं यहाँ पे बूट कर देता हूँ, और जब तक ये बूट होता है भाई उसके बारे में चीज़ें बता देता हूँ। लेफ्ट में यहाँ पे सिम स्लॉट मिलता है जो कि डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड के साथ आता है। टॉप पे नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी मिल जाता है। राइट की तरफ देखेंगे तो भाई ये फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर हमें मिल जाता है सैमसंग के इस फ़ोन के अंदर। ये पहला फ़ोन होगा यार इंडिया के अंदर जो कि फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। साइड में ए सीरीज़ का एक फ़ोन आया था, लेकिन भाई उसके अंदर उतना ज़्यादा फास्ट नहीं था। और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं। बॉटम पे देखोगे तो भाई यहाँ पे 3.5 का जैक, USB टाइप सी पोर्ट एंड मेन स्पीकर है। तो फ़ोन को यार मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप कर चुका था, तो आपका टाइम बचाने के लिए। बाकी यार इस फ़ोन की थिकनेस की बात करें तो 9.3 mm की थिकनेस पे ये फ़ोन आता है। थोड़ा सा हैवी सा फ़ोन है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है 6000 mAh बैटरी के हिसाब से, पर हाँ 203 ग्राम का ये फ़ोन है, बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता है। और हाथ में पकड़ने में भी भाई अच्छी यहाँ पे ग्रिप दे रहा है, फीलिंग अच्छी दे रहा है यहाँ पे, उतना ज़्यादा मोटा भी नहीं लगता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना ब्लेजिंग फास्ट इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है। जस्ट मैं टैप कर रहा हूँ और ये अनलॉक हो जाता है। इवन ये मेरे नोट 9 प्रो मैक्स के फिंगरप्रिंट सेंसर से भी फास्ट है, और सैमसंग का यार पहला फिंगरप्रिंट सेंसर होगा जिससे मैं यहाँ पे इंप्रेस हुआ हूँ, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और वन यू आई पर चलता है तो वन हैंड यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो इस फ़ोन का काफ़ी सही हो जाएगा, क्योंकि एक हाथ से भी आप चला सकते हो, सॉफ्टवेयर ही ऐसा यहाँ पे दिया गया है। और ये वाला जो फ़ोन है भाई एंड्रॉइड 10 पे चलता है, वन UI 2.0 में यहाँ पे मिल जाता है। बट यार इस फ़ोन के अंदर मैंने इमीडिएट चीज़ जो नोटिस करी वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देख सकते हो वन UI कोर यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, तो M सीरीज़ के अंदर वन UI कोर मिलता है जो कि ट्रिम डाउन वर्जन होता है। ए सीरीज़ में जो देखने के लिए मिलते हैं आपको फीचर्स अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। स्टोरेज भी भाई यहाँ पे आप देख सकते हो 128 GB वाले वेरिएंट में मुझे 105 GB अवेलेबल है, और 22 GB यहाँ पर ये कुछ पता नहीं भाई यूज दिखा रहा है।
और यहाँ पे देख सकते हो भाई नॉक्स सिक्योरिटी को ये शो कर रहा है, नॉक्स वर्जन 3.5 है, लेकिन भाई सैमसंग की नॉक्स की वेबसाइट पे कोई भी मेंशन नहीं है इस डिवाइस के बारे में। तो भाई अभी कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं है सैमसंग की तरफ से कि ये फ़ोन सपोर्ट करता है कि नहीं, बट हाँ यार इस फ़ोन के अंदर आपको कोई सिक्योर फोल्डर जैसे कि जो कि नॉक्स वाले फीचर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं, तो वो एक चीज़ है मिसिंग। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में कंफर्म जब हो जाएगा तब मैं बता दूंगा कंपैरिजन के अंदर A51 के साथ। लेकिन हाँ भाई जो सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें नोटिस करी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर सैमसंग मैक्स, स्नैपचैट, सॉलिटेयर्स, ये गेम्स वगैरह कुछ प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर भाई माइक्रोसॉफ्ट की ऐप्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये रिमूव कर सकते हैं। सैमसंग की कुछ प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर है भाई, काफ़ी सारी ऐप्स हैं। और भाई एक और अनोइंग चीज़ यहाँ पर पता क्या है, ऐप ड्रॉअर में इन्होंने नया टैब ऐड कर दिया है डिस्कवर वाला एम सीरीज़ के अंदर। तो इसमें आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये ऐप्स की रिकमेंडेशंस दिखाएगा भाई डाउनलोड करने के लिए। फालतू की चीज़ें यार ये फोन्स के अंदर पता नहीं क्यों डालते हैं, और सैमसंग इतना महंगा फ़ोन है भाई इसके अंदर क्या हाजिर होता है इन ऐप्स को रिकमेंड करने की। बट हाँ यार ये आप डिसेबल कर सकते हो, मैंने M21 की अनबॉक्सिंग में भी बताया था। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर डिस्कवर सेटिंग्स में जाने के बाद भाई इसको यहाँ से आप ऑफ कर देना, उसके बाद ये आपके ड्रॉवर में आपको नहीं दिखेगा। बाकी मैंने सैमसंग के फोन्स में फालतू की चीजें कैसे ऑफ करते हैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, अगर देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सो गाइस यहां पे बात करते हैं डिस्प्ले की, तो भाई यहां पर आपको 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि सेंटर पंच होल के साथ आता है। और बिलीव मी गाइस ये 20,000 रुपए के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है जो कि आपको मिल सकता है, और काफी बेजल लेस भी है भाई, तो एज टू एज ऑलमोस्ट देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि आपको A51 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो पहला सैमसंग का फोन होगा भाई जो सेंटर पंच होल के अंदर 20,000 रुपीज़ में इतनी कमाल की क्वालिटी आपको देगा। सैमसंग यार बेस्ट डिस्प्लेज के लिए जाना जाता है, और काफ़ी पंची कलर्स दिखते हैं, विंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं, आउटडोर विजिबिलिटी भाई डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंपेरेबल है A50 के मुकाबले की है। बाकी डिटेल में हम इसके आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो क्वालिटी आपको कैसी मिल रही है, सिर्फ यार जो डिस्प्ले है उस पर जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की मिलती है। बाकी मेरे को डिस्प्ले में ऐसा कोई भी यहाँ पे इशू नहीं मिला, सिर्फ प्रोटेक्शन का यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा क्योंकि यहाँ पर प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं मिलता है। बाकी ओवरऑल भाई डिस्प्ले की क्वालिटी अमेजिंग है, काफ़ी अच्छे कलर्स, एक्यूरेट कलर ये डिस्प्ले पे शो करता है, मतलब पंची करके शो करता है थोड़े से, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और यहाँ पे भाई एक चीज़ है कि यहाँ पे 60Hz का डिस्प्ले 90Hz का नहीं मिलता है जो कि सैमसंग के ज़्यादातर फोन्स में आपको मिलता है, तो वो उतना बड़ा डील ब्रेकर नहीं है क्योंकि एमोलेड का कमाल का डिस्प्ले यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई इस फोन के प्रोसेसर की, तो भाई सेम प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको सैमसंग के गैलेक्सी A51 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो भाई सैमसंग अपने 15,000 से 25,000 रुपए के फोन में हर एक फोन में सेम प्रोसेसर देता है Exynos 9611। यहाँ पे मालिका G70 MP3 GPU भी दिया गया है जो कि भाई गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी ये डिवाइस नहीं बनाया है यहाँ पे। बाकी इसके डेडिकेटेड पबजी वगैरह टेस्ट भाई आने वाली वीडियोज में मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो उसके बारे में डिटेल में तभी बात करेंगे भाई, विदाउट टेस्टिंग में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ अभी। बट हाँ Exynos के जितने मैंने फोन टेस्ट किए हैं वो उतना ज्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं, बाकी डेडिकेटेड इसका जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। बाकी बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करने वाले हैं इन सारे स्मार्टफोन्स के साथ। और ये फोन भाई मैंने EMI पे परचेज किया था रिव्यू करने के लिए, तो आप में से काफी लोग पूछते हो कि भाई मैं फोन्स कैसे खरीदता हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ मैंने जितने भी फोन्स खरीदे हैं सब EMI पे ही परचेज किए हैं ताकि मैं आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोज दे पाऊँ। और ये फोन यहाँ पर UFS 2.1 की स्टोरेज पर चलता है भाई जो कि इस प्राइस के हिसाब से सही है। LPDDR4X रैम भी है तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं मिलेगा आपको। बाकी ये Amazon प्राइम एंड नेटफ्लिक्स पे भाई वाइडवेल L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो कमाल की डिस्प्ले पे भाई आप कंटेंट भी कमाल का यहाँ पे देख पाओगे, तो उसमें सैमसंग के फोन्स में यार जनरली इश्यूज नहीं आते हैं। बाकी यार फोन के यहाँ पर कैमरास की बात कर लेते हैं तो पीछे यहाँ पर क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। जो मेन कैमरा है यार वो 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर है, अब ये नॉर्मल सेंसर नहीं है यार, यहाँ पर आपको सोनी का IMX682 सेंसर दिया गया है जो कि आने वाली वीडियोज में मैं इसको इन डेप्थ में टेस्ट करने वाला हूँ, कंपेयर भी करके देखेंगे। लेकिन भाई इनिशियली अभी मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल स्क्रीन पर दिखा दूंगा। जो सेकेंडरी कैमरा है यार वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो हाइयर मेगापिक्सल दिया गया है, अच्छी बात है। अल्ट्रा वाइड में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, एटलीस्ट सैमसंग वो चीज़ नहीं करता 2-2 मेगापिक्सल वाली। और फ्रंट में जो कैमरा है भाई वो 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे दिया गया है, अगेन ये भी सोनी का यार सेंसर है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि भाई हमारे A51 के अंदर भी यार सोनी के सेंसर नहीं मिलते हैं, यहाँ पर सैमसंग के सेंसर यूज़ किया गया था। बाकी गाइज अभी मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा रहा हूँ, वो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो, और मुझे बताना भाई आपको इनिशियली इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी लग रही है। बाकी यार डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, अभी मैंने इसके कैमरा को उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया है, इनिशियली मैं
कोई भी जजमेंट यहाँ पे नहीं देना चाहता हूँ। बात करते हैं यहाँ पे वीडियो परफॉर्मेंस की, तो भाई ये फोन रियर कैमरा से यहाँ पे 4K तक यहाँ पर वीडियो शूट कर सकता है 30 FPS पे, और फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी भाई अप टू 4K तक का यहाँ पर सपोर्ट है 1080p 30 FPS पे। बैक एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप वीडियो शूट कर सकते हो, स्टेबलाइजेशन यहाँ पर मिल जाता है भाई। और इस फोन के अंदर यार आपको 1080p 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता है ना बैक कैमरे पे ना फ्रंट कैमरे पे, तो वो एक डिसअपॉइंटिंग चीज है। तो मे भी हो सकता है यार प्रोसेसर की वजह से वो सपोर्ट यहाँ पर ना हो, क्योंकि यार 9611 उतना भी कमाल का चिपसेट नहीं है। बाकी यार एक और अच्छी चीज फोन की ये है कि सॉफ्टवेयर यहाँ पर UI 2.1 आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट फोन के अंदर, और ये जो UI यार ये UI कोर वर्जन है जो कि आपको M सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी ये जो A51 है यार इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, तो देख सकते हो UI 2.1 है और ये कोर वाला वर्जन नहीं है। इसका फर्क क्या है भाई, यहाँ पर कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि हमें यहाँ पे नॉक सिक्योरिटी मिलती है हमारे A51 के अंदर। जैसे कि आप इसका क्विक टॉगल पैनल यहाँ पर नीचे करोगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे फीचर्स यहाँ पे मिसिंग दिखेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो क्विक शेयर तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिल रहा है आपको M31S में। इवन सिक्योर फोल्डर नहीं है जहाँ पर आप अपनी फाइल्स को एकदम सिक्योर करके यहाँ पे हाइड कर सकते हो। म्यूजिक शेयर का भी फीचर नहीं है भाई, एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है एक सिर्फ, और एज लाइटिंग नहीं है, डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट नहीं है, सैमसंग किड्स वगैरह भी नहीं है आई थिंक यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो भाई फोकस मोड, टेक्स्ट कॉल टेक्स्ट वगैरह वाला फीचर, एंड ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं भाई जो मिसिंग हो जाते हैं यहाँ पर। एज लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर है भाई सैमसंग के इस फीचर्स में, और यहाँ पर आपको ये एच पैनल भी मिल जाता है सैमसंग ए सीरीज के अंदर। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मिसिंग मिलते हैं इस UI 2.1 कोर के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत भाई एम सीरीज से ए सीरीज को अलग रखता है सैमसंग, प्रीमियम फीचर्स भाई ए सीरीज के लिए रिजर्व रखता है, और वो सारे फीचर्स आपको एम सीरीज के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके ऊपर भाई एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर बनाने वाला हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे आप बता सकते हैं। बाकी गाइस अगर कोई कंपैरिजन आपको करके बताऊँ तो भाई देख सकते हो यहाँ पे जो थिकनेस है ना वो A51 से इसकी भाई थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। और भाई A51 भाई थोड़ा सा हल्का है, 175 ग्राम्स के आसपास का है, 4000 mAh की बैटरी भी है, तो थोड़ा सा हल्का है। बाकी हमारा थोड़ा सा मोटा भी फ़ोन है, और यहाँ पे मतलब ओवरऑल जो भाई साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है इसका। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों में सेंटर पंच होल है, बेजल्स भाई एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है, देख सकते हो पूरी डिस्प्ले ऊपर से नीचे लेके। नीचे का जो चिन है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम मिलता है हमें A51 के अंदर, बट हाँ यार दोनों ही में काफ़ी ज़्यादा बेजल्स कम मिलते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हो भाई दोनों फोन्स में सिम ट्रे आपको देखने के लिए मिल जाती है। A51 का भाई कैमरा बम्प नहीं मिलता है, लेकिन भाई M31S में हल्का सा यहाँ पर कैमरा बम्प मुझे देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में इसको पकड़ सकता हूँ, लेकिन A51 में ऐसे पकड़ नहीं सकता हूँ मैं। मैंने A51 के बैक में यार स्किन भी लगाई हुई है, और यहाँ पर अभी भाई इसकी स्किन मंगानी पड़ेगी गैजेट सील्ड से मेरे को, तो उसके बाद भाई और ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। अभी यहाँ पर फॉर्म फैक्टर भाई दोनों फोन्स का काफ़ी सही है, क्योंकि A51 में भाई 5000 रुपये का डिफरेंस है, 24000 का मिलता है, वहीं M30S भाई चीपर है थोड़ा सा, 20000 के अंदर आ जाता है, तो उसके हिसाब से सही है। क्योंकि इसके जो रियल कॉम्पिटिटर्स हैं ना यार वो Redmi Note 9 Pro Max या फिर Poco X जैसे स्मार्टफोन्स हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहा है, और कुछ चीज़ों में वो भी बेटर हैं। एंड यहाँ पर एक बार स्पीकर की भी बात कर लेते हैं, तो स्पीकर क्वालिटी भाई चेक करा देता हूँ एक बार, मैं ये सॉन्ग यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। तो भाई जो साउंड क्वालिटी है इस फ़ोन की वो यहाँ पे मेरे को ठीक लगी थी यार, उतनी ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन हाँ भाई इसको अभी थोड़ा ज़्यादा टेस्ट करूँगा तो आपको बता पाऊँगा, लेकिन भाई इनिशियली मेरे को अभी सही लग रही है। बाकी इसको A51 से जब मैं डिटेल्ड इसका कंपैरिजन लाऊंगा तब आपको ज़्यादा बता पाऊँगा। बाकी यार 3.5 mm का ऑडियो जैक यहाँ पर मिल जाता है, जिसका आउटपुट मेरे को ठीक लगा है। यहाँ पर ऑडियो जैक में यार कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है, FM रेडियो भी मिल जाता है। अब मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाया था भाई, A51 यहाँ पर है, इसमें अंडर डिस्प्ले मिलता है और इसमें साइड में मिलता है, तो पोजीशन भाई चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो 3, 2 and 1, और देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा फास्ट है हमारा M31S, A51 से भी ज़्यादा फास्ट है भाई, क्योंकि फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में भाई यही फर्क मिलता है हमें। अगेन भाई देख सकते हो, और लॉक स्क्रीन से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो भाई दोनों फोन देख सकते हो कितना ज़्यादा क्विक है यार। तो फिंगरप्रिंट सेंसर से भाई मैं बिल्कुल इंप्रेस हो गया M31S का, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ पसंद आई है इस M31S के अंदर। बाकी यार इस फोन में यार एक क्रेजी चीज़ पता है क्या है, 6000 mAh की बैटरी दी गई है, और 25W की फास्ट चार्जिंग को भी यार सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसका चार्जिंग टेस्ट लाऊंगा भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन का चार्जिंग टेस्ट करने के लिए। काफ़ी सारे फोन A51, K20 Pro, OnePlus Nord, Note 9 Pro Max एंड Realme 6i भी भाई मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड रहना भाई उसके लिए। बाकी फेस अनलॉक भी भाई उतना ही फास्ट है, तो भाई ये सारी चीज़ मिल जाती है आपको इस फोन के अंदर। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड, डुअल सिम को ये फोन सपोर्ट करता है। बाकी और कौन सी वीडियोज़ आप देखना
चाहते हो इस फोन के ऊपर। अभी मैं इसको वन प्लस नॉट से भी कंपेयर करने वाला हूँ भाई। इसका यहाँ पर पबजी टेस्ट या फिर ऐसे कुछ वीडियोज आने वाली है स्पीड टेस्ट जैसी, नोट 9 प्रो मैक्स से या भाई इसका कंपैरिजन देखना है कि नहीं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही यार। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी कमाल की वीडियोज़ के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।